इसमें। अच्छा चलिए चलिए, आप सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? जो अच्छे मैंने हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करेगा तो थर्मोडायनेमिक्स। और क्या क्या कर तो इसको कैसे कहेंगे? वर्क ट्रांसफर कर। चलिए सुनिए भाई, जैसे ये बता रहे हैं जो है ये सर, भाई देखिए ये बता रहे हैं जो है कि सर जो है थर्मोडायनेमिक्स में जो है हीट को हम चेंज करते हैं। देखिए ये बात समझिए जो है, ये थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड हैं, एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स होता है हीट। डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है? फ्लो, मोशन, या कहिए फ्लो जो है। तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हो गया जो है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें फ्लो ऑफ हीट तो इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो सर व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? सर मीन्स अगर कहीं पर हीट फ्लो कर रही है इसका मतलब कि वहाँ थर्मोडायनेमिक्स हो रही है। दूसरी बात ये जानिए कि साइंस की जितनी भी ब्रांच है, ए भाई ज़रा सुन लो हमको भी, साइंस की जितनी भी ब्रांच है या जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वहाँ किसी न किसी रूप में थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, किसी न किसी रूप में वहाँ थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, यानी वहाँ पर एनर्जी किसी न किसी फार्म में, एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो रही है। तो अगर कुछ इस तरह का है इसका मतलब है कि वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स जो है हो रही है। अब ये बताइए, जैसे मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ इसमें थर्मोडायनेमिक्स हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो कैसे हो रही है? हाँ देखिए, जो मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स हो रही हो ये रहा है कि जो हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉइस एनर्जी में चेंज हो रही है। इंटरनल एनर्जी जो है वॉइस एनर्जी में चेंज हो रही, तो यानी एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो रही, तो हम कहेंगे कि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स हो रही है। अच्छा ये फैन चल रहा है इसमें क्या हो रहा है? हम तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दिए बोर्ड से, हमने क्या दिया बोर्ड से, हमने दिया इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गई? फैन में गई। और जब ये फैन में गई तो इसमें किस में कन्वर्ट हो गई जो है, किस एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी में। ये देखिए, जब यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फैन चल रहा है इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स हो रही है, ठीक है। तो देखिए कहीं भी अगर थर्मोडायनेमिक्स होगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एनर्जी जो है एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज होती, ठीक है। इसका मतलब तो आप कह रहे हैं कि सर फैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, वर्क की ज़रूरत है। क्यों?
फैन को चलाने के लिए आप यही ना कह रहे हैं सर जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल वर्क में। यानी फैन को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है, फैन को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, वर्क की। क्यों? अरे भाई तो वर्क का मतलब वही ना हुआ भाई, फैन को चलाने के लिए बिजली की नहीं ज़रूरत है, हमारे कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि वर्क की ज़रूरत है। अब कैसे वर्क की ज़रूरत है तो ये आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए बिजली नहीं है और हम कहते हैं कि फैन को आप चला दीजिए, तो आप चला पाएंगे कि नहीं, बिजली नहीं। बात सुन लीजिए साहब साहब, मैं कह रहा हूँ कि आप फैन को चला दीजिए, चला देंगे, कह रहा है चला देंगे, इसका मतलब है साबित है कि सर उसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं, हाँ हाथ से चलाएंगे। भाई अगर वो बिना बिजली के नहीं चलता तो आप चला ही नहीं पाते जो, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर हम तो बिना बिजली के भी चलाएंगे। बिना बिजली के चलाने का मतलब है कि आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, माने फैन को चलने के लिए केवल वर्क की ज़रूरत है। अब वर्क आप जैसे करिए, चाहे हाथ से करिए चाहे डंडा से करिए। अब ये आप कहेंगे सर अब हाथ से चलाएंगे तो थक जाएंगे, वो बात दूसरी, लेकिन ये साबित कर रहा है फैन जो है कि सर हमको बिजली की ज़रूरत नहीं है, हमको तो वर्क की ज़रूरत है। अगर आप हमारे ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे तो हम जल्दी जल्दी घूमेंगे, अगर कम वर्क करेंगे तो हम धीरे धीरे घूमेंगे। अब ये है कि जो हमारे पास एनर्जी है वह एनर्जी इतना ज़्यादा नहीं है कि हम ज़्यादा देर तक और जिस स्पीड से ये चल रहा है चला दें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वह मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है जो, तो वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होना ये साबित करता है कि सर एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो रही है, और फैन को चलाने के लिए बिजली की नहीं बल्कि वर्क को ज़रूरत है। अगर वो बिजली से चलता, केवल बिजली से, तो बिना बिजली के ये जैसे कह रहा है कि सर चला देंगे, वो नहीं चलता जी। यानी इसका मतलब है कि फैन को चलने के लिए वर्क की ज़रूरत है। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं जो है, तो उसके जो है थर्मोडायनेमिक्स के दो तीन बेसिक नियम हैं, वो भी आप जानते हैं। पहला नियम तो ये है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फार्म टू अनदर। अगर एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो रही है, मीन्स वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स हो रही है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसके ऊपर एनर्जी का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो अब बात ये आती है कि प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, सोच के बोलिए। सब कुछ पढ़ चुके हैं सर, पढ़ा चुके हैं, दो तरह के, कौन कौन? वो तो इनिशियल फाइनल स्टेप है, वो तो रिएक्शन होता है भाई, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखिए प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस, दूसरा केमिकल प्रोसेस। केवल दो तरह के प्रोसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस। तो अगर कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो उसके ऊपर जो है एनर्जी का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोगों को जानना है। थर्मोडायनेमिक्स से भी बताती है कि सर अगर कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो उसके ऊपर जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, एनर्जी का क्या इफेक्ट है। ठीक है, अब बात ये करना है कि कैसे जानेंगे कि सर ये फिजिकल प्रोसेस है, कैसे जानेंगे कि ये केमिकल प्रोसेस है, सोच के बता दीजिए जल्दी से। अच्छा चलिए, देखिए भाई एक बात आ रही है कि जो इनिशियल से फाइनल में गए और फाइनल से दोबारा इनिशियल में आ गए तो उसको कहते हैं फिजिकल, और केमिकल किसको कहेंगे,
चेंज तो हो गया तभी प्रोसेस कहेंगे। मैंने इनिशियल से फाइनल में गए और फाइनल से इनिशियल में आए तो हम उसको कहेंगे जो है ये केमिकल प्रोसेस। ठीक है ना, बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए ऐसा है, चैप्टर को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। आप कह रहे हैं सेकंड चैप्टर की बात है, आपने हेसला वो पढ़ा नहीं है कि पढ़ लिया है? वो तो फर्स्ट चैप्टर में है भाई, बताए थे बात दूसरी है। वहाँ 9 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, लिखना पड़ेगा, 2 लाइन कहने से काम नहीं चलेगा जी। तो या तो हम ऐसे सब समझा दें आपको, और या तो नोट बनवाए, भाई डिसाइड आप ही को करना पड़ेगा ना। जो नोट बनाए उससे मेरा काम नहीं चलेगा। ये जो है तो आप लोग कल नोट करके लाइए कि सर ये टॉपिक मेरा हो गया है, ये टॉपिक आप हमको पढ़ा दीजिए। हम नहीं देख पाएंगे, आप जानते हैं। नहीं तो सिलेबस आपके पास ही है, खरीद लीजिए मार्केट से। सिलेबस तो मार्केट में मिल ही रहा है, जो है सिलेबस मार्केट में मिल रहा है, खरीद के और आप देख लीजिए कि सर क्या क्या पढ़े हैं। बात ये भी सही है भाई, मान लीजिए दोबारा रिवाइज करें तो समय लगेगा, तो उससे अच्छा है कि जो आप पढ़े हैं अगर उससे काम चल जाता है तो हम आगे की बात करें। लेकिन ये भी ना हो कि जब आगे की बात करें तो पीछे का भी पढ़ाना पड़े, ये भी स्थिति आ सकती है कि जब आगे की बात करेंगे तो सर पीछे वाला भी गायब है, ये भी स्थिति आ सकती है। तो आप लोग मिलजुल कर जो है वो देख ही रहे, सबर किसी का किसी दिन का छूटा होगा, किसी की सर क्या क्या पढ़ लिए, सिलेबस ले लीजिए और उसमें कि सर ये हो गया है, ये चीज़ आपको पढ़ाना है तो वो मैं अपना पढ़ा दूंगा। लेकिन चलिए पहले बात करते हैं कि जैसे फिजिकल और जैसे आपने कहा फिजिकल का मतलब ये है कि हम इनिशियल से फाइनल में जाएंगे, और अगर फाइनल से इनिशियल में आ गए तो फिजिकल, और अगर जो है इनिशियल से फाइनल में गए और फाइनल से इनिशियल में वापस नहीं आएंगे तो केमिकल। क्यों, यही बात हो रही है ना? हाँ तो ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बताएंगे ना? सब एक ही में नहीं ना कहेंगे, किसी बच्चे को बताना होगा तो कुछ बताएंगे ना कि सर फिजिकल किसको कहेंगे, कुछ एक लाइन 2 लाइन में उसको समझाएंगे ना कि सब कहते जाएंगे सर ये भी फिजिकल है भी। तो कोई एग्जांपल बताइए कि सर ये बाहरी फिजिकल है और ये इंटरनल। जैसे हम किसी भी बोतल में गर्म पानी ले लेते हैं, ठंडा गर्म ठंडा पानी ले, उसके बाहरी ढांचे पे बूंद बूंद करके आ जाते हैं, वो जो जब उस चीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल में आ जाता है। अच्छा, वो किस मटेरियल से बना है, किस चीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, केमिकल में आ जाता है। अच्छा, किन पदार्थों से निर्माण है में। चलिए और आप लोग कुछ बताएंगे? आप लोग भाई चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है, जैसे एक आदमी के कहने से नहीं बात बनेगी। आप लोगों को भी 9 नंबर का सवाल पूछेगा, 4.5 नंबर का, तो आपको भी जवाब देना होगा। जैसे ये जो बता रहे हैं, जैसे हमको तो जो समझ में आ रहा है, आप लोग इनकी बात को समझ रहे हैं कि फिजिकल किसको कहते हैं केमिकल? ये कह रहे हैं कि ईटा जोड़ेंगे सर वो केमिकल प्रोसेस है। जो बात यही ना कहे भाई, हाँ का वो तो भाई जोड़ेंगे ये है सीमेंट है वो केमिकल प्रोसेस है, और जो है अगर पानी को गर्म कर देंगे बाहर आ जाएगा तो वो आपका फिजिकल प्रोसेस है। और कोई दूसरा उदाहरण तो जो सब लोग समझे भाई, वो तो हमको भी बहुत ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। कुछ इस तरह का उदाहरण दीजिए जो हमको भी समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए, कागज़ का जलना ये फिजिकल प्रोसेस होगा कि केमिकल? तो ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दीजिए, कोई भी जला के देख लेगा भाई। अगर कागज़ को जलाएंगे, अरे भाई कागज़ को अगर आप जलाएंगे तो ये आपका केमिकल प्रोसेस होगा, क्योंकि कागज़ जब जलेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? राख में, आइस में, और आइस से दोबारा आप पेपर बना पाएंगे? नहीं, तो ये केमिकल प्रोसेस है। ऐसा उदाहरण दीजिए जो समझ में आवे सब। हाँ, बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना ये फिजिकल प्रोसेस है।
कोई भी आप कोई भी बंदा जो है बर्फ लेगा और उसको फ्रिज उसको रख देगा बीकर में, धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वाटर को फ्रीजर में रख देगा, दोबारा वो आइस में आ जाएगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो जो कि आदमी कर भी सके, देख भी। अब ऐसा एग्जाम्पल बता दे रहे हो कि हम ही को समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए बात तय ये हुई जो है कि सर केमिकल प्रोसेस का मतलब देखिए फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मगर अच्छे ये बताइए मोमबत्ती का जलना ये फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस? तो कैसे पिघलेगा? जब उसको जलाएंगे तभी ना पिघलेगा। अरे भाई लेकिन जब जलाएंगे तो वो दूसरा पोर्शन उसका आ रहा है कि नहीं? मोमबत्ती तो धीरे धीरे गायब हो जाएगी, उसका जो है वो वाला पोर्शन। वो पोर्शन देखो दो चीज़ होती है, जब भी कोई प्रोसेस होता है तो उसमें कभी कभी मेजर प्रोडक्ट बनता है, माइनर भी बनता है। तो हम लोग मेजर को ही कंसिडर करते हैं, माइनर को निग्लेक्ट कर देते हैं। जो आप धागा जलाते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर चला गया, आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा जो मोम दोबारा पिघल गया वो बचा जो। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है? आपका जो है फिजिकल प्रोसेस, जो आप मोमबत्ती को वो किए जलाए, जो उसका धागा है, धागा में क्या है? कार्बन है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन के चला गया। जो आपको मिला वो क्या मिला? वो मिला मोम दोबारा। तो जब मोम मिला तो वो आपका दोबारा फिजिकल प्रोसेस है। तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है वो दूसरे तरह का प्रोसेस हो गया। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है हमारा वो क्या आपको मिल रहा है दोबारा? मोम मिल रहा है। उसमें आप देख लो कभी भी मोमबत्ती को जला कर देखो कितना राख मिलती है। आप घर पर जला कर देखो वो तो मोमबत्ती मिल सकती है, हाँ देख लीजिए। वो तो हमको लगता है कि राख मिलती ही नहीं, वो सब का सब कार्बन जो है या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो मिलता है वो आपका मोम होता है। चलिए आप देखिए दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, दूध से दही का बनना, ये केमिकल प्रोसेस, ठीक है? चलिए अब तो ये अब आप जान गए ना कि सर फिजिकल। और ऐसा उदाहरण किसी को दीजिए कि छोटा बच्चा भी समझ जाए कि अरे सर जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि सर हम बर्फ लेंगे रख देंगे पिघल जाएगा वाटर बना, फिर वाटर को फ्रीजर में रख देंगे फिर आइस बन गया जो, यानी सर ये हमारा जो है फिजिकल प्रोसेस है। जैसे केमिकल प्रोसेस में कागज़ को आप जला दीजिए, कागज़ को जलाएंगे वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा, सारी केमिकल प्रोसेस हो जाएगा जो। तो इस तरह से जो है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते। देखिए हम लोगों को यहाँ पर ये जानना है कि कोई फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, हीट का क्या इफेक्ट होता है, ये जानना है जो कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, हीट का क्या इफेक्ट होता है। देखिए जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर हम लोग हीट फ्लो की ही बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग अक्सर जो है हीट फ्लो की ही बात जो है डिस्कस करेंगे जो है। तो अब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल प्रोसेस है, जैसे आप देखिए जैसे मान लीजिए जैसे हमने जो है बीकर में हमने आइस का टुकड़ा लिया, ये देखिए जो है बीकर में आइस का टुकड़ा लिया, कुछ देर बाद क्या होगा कि यह जो अब आपका आइस का टुकड़ा है धीरे धीरे ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए जो है ये आपका कन्वर्ट हो गया वाटर में जो। अब आप ये बताइए ये आइस का टुकड़ा वाटर में क्यों कन्वर्ट हुआ? हमको तो जो समझ में आ रहा है अरे बढ़ गया तो वो बात, ये मेल्ट क्यों किया ये हम जानना चाह रहे हैं, हीट से तो हीट दिए, हीट उसको दिए कहाँ से दिए? हम दिए नहीं हीट, कहिए कि हीट उसने ऑटोमेटिक ले लिया, हम जो है उसको हीट दिए नहीं। देखिए किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है,
आइस के लिए हमको हीट देना नहीं है। आइस जो है क्या करती है, आप अभी आप एक वर्ड पढ़े होंगे सराउंडिंग, सराउंडिंग से आइस ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब बात ये आती है कि सर क्यों इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो देखिए आइस का टेम्परेचर लो है। अब आप कहेंगे सर कैसे जानेंगे कि टेम्परेचर लो है, कैसे जानेंगे टेम्परेचर हाई है। देखिए किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर आपको जानना है कि वो हाई है कि लो है, तो उसका सिंपल सा तरीका, आप उसको अपने हाथ पर रखिए। अगर हाथ पर रखने पर आपको ठंडा लगे, इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम, और अगर हाथ पर रखने पर गर्म लगे, इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो देखिए ये आइस का टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जब आप उधर से निकालेंगे, और इसका टेम्परेचर कितना होगा, 25 होगा, 30 होगा, 20 होगा। और अभी आपने कहा है कि हीट हमेशा हाई से लो की तरफ लो होगी, तो इसलिए आइस ऑटोमेटिक जो है सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। आपको देना नहीं है कि सर हम आइस को हीट देंगे तब मेल्ट करेगा, वो ऑटोमेटिक हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है। और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को पाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और वो फिर आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया जी। अब बात ये आती है कि सर जब ये वाटर में कन्वर्ट हुआ, इसको दोबारा आइस बनाना है, तो दोबारा आइस बनाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो जितनी हीट ये लिया है उतनी हीट को बाहर कर दीजिए। भाई हीट ले कर नहीं, ये जो है आइस से किस में गया है, वाटर में, तो जितनी हीट लिया है उस हीट को आप इसमें से बाहर कर दीजिए। अब ये बाहर करने वाला प्रोसेस कैसा होगा, तो सर हमको इसके लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर नहीं संभव है, तो अब इसके लिए हमको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, तब वाटर दोबारा जो है आइस में कन्वर्ट हो पाएगा। तो देखिए कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर का रोल है। टेम्परेचर का रोल ये है कि जिस टेम्परेचर पर आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, उस टेम्परेचर पर वाटर जो है आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप बीकर में पानी रख के और देखते रहिए, धीरे धीरे 3-4 दिन में पानी उड़ जाएगा, लेकिन ये आइस में कभी नहीं कन्वर्ट होगा। आइस में तब कन्वर्ट होगा सर जब इसका टेम्परेचर आप डाउन करेंगे, और टेम्परेचर डाउन करेंगे इसका मतलब है कि वहाँ टेम्परेचर का रोल है भी। तो कोई भी कहने का मतलब है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, अगर वहाँ पर प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर का कुछ ना कुछ रोल होता है। अब इसी तरह से मान लीजिए जैसे केमिकल प्रोसेस हुआ, जैसे हम लोगों ने कहा कि दूध से दही का जमना, आप लोगों ने कहा ना कि सर केमिकल प्रोसेस, ये एक तरह से बैक्टीरियल प्रोसेस है, लेकिन ये केमिकल प्रोसेस में ही आता है। चलिए अब बात तय किया जाए कि दूध से जो दूध दही में कन्वर्ट हो रहा है उसमें टेम्परेचर का क्या रोल, ये हम लोगों को जानना है, उसमें टेम्परेचर का क्या रोल। तो देखिए मान लीजिए जो है घर पर दूध रखा हुआ है, कोई कहता है कि इसको दही बनाना है जो है, तो हम लोग बेसिक कौन सा काम करते हैं, है? अच्छा गर्म कर देते हैं, दूध को बॉयल कर देते हैं, ठीक है दूध आधे घंटे बॉयल हो गया, बॉयल करने के बाद क्या करेंगे, उसको कुछ देर तक ठंडा करें, कि ऐसा है कि बॉयल करने के बाद तुरंत उसमें जोरन या मट्ठा जो भी कहते हैं डाल देंगे। अच्छा मान लीजिए तुरंत डाल देंगे तो दही जमेगी कि नहीं, क्यों, अच्छा मर जाएगा जो है, वो मर जाएगा जो। आ मान लीजिए अगर बहुत ठंडा करके दागे डाले तभी मर जाएगा, तो मरेगा तो नहीं, नहीं जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हम 20 कर दे, आप 20 करके डाले तब तो उसको रहना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए कि तभी मर जाएगा। अरे तो कितने दिन में जमेगी, 4 दिन 5 दिन कुछ समय लगेगा ना, बहुत स्लो करेगा तो 4 दिन में जम जाना चाहिए कि नहीं जम पाएगा, 4 दिन में जम जाएगी दही। हाँ उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ये मत कहिए कि वो मर जाए या वो जिंदा रहे। दही दूध को अगर दही में कन्वर्ट करना है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है,
उस टेम्परेचर पर आप जोरन या मट्ठा डालेंगे तो बैक्टीरियल रिएक्शन होगा, अगर नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। तभी हम कह रहे हैं कि सर वो केमिकल जो है प्रोसेस, ये नहीं कि कुछ वो करते रहिए हो रहा है हो रहा है। तो अब बात ये आती है कि सर चल ये प्रोसेस, हम प्रोसेस सब लोग जानते हैं लेकिन कभी सोचे नहीं कि सर उसमें क्या हो रहा है, कभी सोचे नहीं जो है, इसलिए कि सोचने का समय भी नहीं है। वो सोचने का समय कहाँ है जो है, वो तो अभी दो चार दिन में भेद खुलने लगेगा कि कितना सोचे हैं क्या है, जब लाइन पकड़ेंगे हम भी और आप भी आएंगे हमारे सामने फ्रंट पर तो बात तय होने लगी कितना सोचते हैं। अभी तो आप सोच रहे हैं कि सर नए नए आए हैं देखे कितना आजमा लें, तो वो जो है वो तो वो आजमाना क्या है, देखो बाहर झड़ गया है जो है, वो आजमाने वाली बात नहीं है जो, तो वो आजमाने वाली बात नहीं है। तो देखिए जैसे हम ये आपको बताना चाहते हैं, देखिए हम जो है आप देखिए हमने कहा ना आप मिल बैठ के डिसाइड कर लीजिए कि सर कहाँ से पढ़ना, वहीं से मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ। आप बीच में कह दें सर ये कर दीजिए ये छोड़ दीजिए वो मैं नहीं कर पाऊँ, आप मिल बैठ कर कल तय कर लीजिए आप जो है कि सर यहाँ से आप पढ़ाना शुरू करिए, हम एक सिलेबस के अनुसार क्रम से पढ़ाएंगे, सर ये हो गया ये हो गया ये हमसे नहीं हो पाए, तो एक सिलेबस के अनुसार लिखाना पढ़ाना हमारा उसके साथ होगा। आप तय कर लीजिए कि सर कल से यहाँ से पढ़ाना है, जहाँ से कहेंगे मैं वहीं से पढ़ाना शुरू करूँ, लेकिन बाद में फिर ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो हम पढ़े नहीं। तो नया चैप्टर हम पीछे वाला पढ़े नहीं रहेंगे तो पूरा तो नया कैसे पढ़ाएंगे, अभी हमको तो उसमें सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना है, फर्स्ट लॉ पढ़े ही नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें आप बता दीजिए, मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं पढ़ाऊँगा, आप तय कर लीजिए, एक दिन का मैं समय दे रहा हूँ, आप तय कर लीजिए कि सर उसमें कितना हम पढ़ाए हैं कितना पढ़ना है, हम उसमें भागी कहाँ रहे, लेकिन ये नहीं कि सर जब आगे का तो और सर पीछे वाला हमारा बाकी है। वो आपके पास सिलेबस है घर देखिएगा ठीक है ना, एक घंटा मेरा है, एक घंटा मेरा है, सात से आठ मेरा है, इसके बाद 23 घंटा आपका है, 23 घंटा जो करिए जैसे करिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक घंटा आपको हमको सुनना है। चलिए अब बात देखिए, बात मैं ये कर रहा था जो है कि जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में महिलाएं हैं, जैसे मान देखिए पूरी थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों के जीवन से संबंधित, भोजन कर रहे हैं दौड़ रहे हैं शुगर हो गया हर जगह थर्मोडायनेमिक्स। अब यह है कि आप उसको किस तरह से सोच रहे हैं, भोजन बना रहे हैं भोजन के लिए ब्लड कन्वर्ट हो गया एनर्जी, हर जगह थर्मोडायनेमिक्स, अब यह है कि आप उसको कैसे सोचते हैं, तो हम ही खुद थर्मोडायनेमिक्स, आप ही खुद थर्मोडायनेमिक्स, जो कुछ भी कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जैसे आप पूरी शर्मा एंड पठानिया साहब की किताब देखे होंगे, मोटी किताब है जो है पूरी शर्मा एंड पठानिया प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, उसी तरह से मोटी मोटी किताबें केवल थर्मोडायनेमिक्स पर लिखी हुई, लेकिन हमको ये नहीं है कि हम वो मोटी किताबें आपको पढ़ाएँ, हम लोगों का DDU का एक सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम लोगों को पढ़ना, क्योंकि हम लोगों का टाइम बाउंडेशन है कि सर इतने दिन में कोर्स ख़त्म हो जाने, आज तो मेरा पहला दिन है कल से मैं पढ़ने पढ़ाने जो भी डिसाइड कर देंगे कि सर यहाँ से मैं वहाँ से स्टार्ट हो जाऊँगा, लेकिन फिर पीछे वाला काम नहीं हो पाएगा, भाई आप सिलेबस देख लीजिएगा जो ठीक है, ये नहीं कि सर ये छूट गई अभी पढ़ा दीजिए पढ़े जब आगे तो आगे। चलिए अब बात सुनिए जो है जो, तो देखिए अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा आ जाएँ जो है बात करने की, करते क्या हैं हम लोग, तो देखिए बेसिक प्रोसेस ये है कि दूध को हम लोग आधे घंटे बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसको रख देते हैं ठंडा होने के, हम लोग जब कुछ देर बाद जब ठंडा हो जाता है तो हम लोग उसमें उंगली डालते हैं, सब प्रोसेस आप करते हैं, ये नहीं है कि मैं ऐसे आसमान पर उड़ा रहा हूँ आपको, आप उसमें उंगली डालते हैं और डाल के ये पता लगाते हैं कि अब उसमें मट्ठा डालने लायक हुआ कि नहीं। देखिए उसमें उंगली डाल के एक तरह से आप टेम्परेचर नोट करते हैं कि सर उसका टेम्परेचर कितना हुआ, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये देखिए
बैक्टीरियल रिएक्शन होने के लिए जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसीलिए अगर इसमें से कोई गांव का रहने वाला होगा तो गांव में जब दही जमती है तो नीचे गड्ढा किया रहता है और उस गड्ढा में आग पूरा लगा दी जाती है और इसके बाद जो है उसी पर दूध रहता है और रात भर उसी तरह से वो धीरे धीरे गर्म रहता है। गर्म रहने के पीछे रीजन है कि उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे, तो गांव घर में पूरा टाइट दही जमती है। हाँ मीठा भी, तो उसके पीछे रीजन है कि वो उस टेम्परेचर पर उतने देर तक रहती है, यहाँ हम लोग वो कर नहीं पाते। तो देखिए होता ये है कि 40 डिग्री टेम्परेचर के देखिए हम उसमें अंगुली डालकर ये देखते हैं कि हम उसमें अंगुली को रख पा रहे हैं कि नहीं, यानी अंगुली हमारी बर्दाश्त कर पा रही है। तो देखिए अंगुली थोड़ा थोड़ा गर्म लगने का मतलब है कि दूध का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से अधिक है। अभी बताया जो कि किसी चीज़ का टेम्परेचर नापना हो तो उसको हाथ में लीजिए, अगर आपके हाथ में ठंडा लग रहा है मीन्स उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम है। हाथ क्यों जलेगा, अभी भी रीजन मान लीजिए हम आपको बर्फ दे दें, एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा, और उसको एक घंटे तक आप हाथ पर रख सकते हैं, कुछ देर में लगेगा कि आपका हाथ जो है कट के गिर गया। जो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे बर्फ को रखेंगे उसका टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो हमारी बॉडी से जल्दी जल्दी हीट ले रहा है, वो हमारी बॉडी से जल्दी जल्दी हीट ले रहा है। मान लीजिए आप ही हमसे कहिए सर 10 घंटा पढ़ाइए खाइए पीजिए, तो 10 घंटे बाद हम गिर जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी समाप्त हो गई। वही काम वहाँ भी हो रहा है। हम लोग बर्फ को ज़्यादा देर तक हाथ पर क्यों नहीं रख पाते हैं, तो रीज़न ये है कि वो हमारे बॉडी से एनर्जी को ले रहा है, और जब ले रहा है तो एनर्जी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही, तो हम लोग को लगता है अरे भाई हाथों में गल जाएगा, हाथों में कट जाएगा। और यही बात वो है, जैसे मान लीजिए हम आग का गोला आपके हाथ पर रख दिए तुरंत फफोड़ा पड़ जाएगा। क्यों फफोड़ा पड़ गया, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी जल्दी से एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर हम धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाते तो हम आसानी से हीट को कुछ देर तक बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम टेम्परेचर जो है जल्दी से दे दिए तो इसलिए होता यह है कि उसमें फफोला पड़ जाता, हम हीट को जो है आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो चलिए तो ये रीज़न है जो है फफोला पड़ने का, हाथ गलने का रीज़न ये कि वो जल्दी जल्दी हीट को ले रहा है। जो देखिए जो कुछ भी थर्मोडाइनमिक सब प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल है और आप करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह है कि जब 40 पर टेम्परेचर पर जब मट्ठा डाल देंगे तो आसानी से, देखिए दूध को दही बनने में 2.5 से 3 घंटा चाहिए, बस 2.5 से 3 घंटा में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो हम देखिए ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी आप फिजिकल प्रोसेस में आप देखें कि टेम्परेचर डाउन करेंगे तब ये वाटर से आइस में कन्वर्ट होगा, और हम जो है आप जो है इसी तरह से आप जो है केमिकल प्रोसेस में देखें कि सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगभग होना चाहिए। जो यानी जो भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होते हैं, कहने का मतलब हमारा है उसमें टेम्परेचर का हीट का कोई ना कोई रोल है। ये दूसरा था जो है। अब तीसरा ऑप्शन ये है जो है कि द पॉसिबिलिटी एंड डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द पॉसिबिलिटीज एंड डायरेक्शन ऑफ, सर सब लिखाए होंगे, जो सब लिखाए होंगे समझाए भी होंगे, ऐसा नहीं है। द पॉसिबिलिटी एंड डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखिए इसमें दो चीज़ है, पॉसिबिलिटी डायरेक्शन और स्पॉन्टेनियस। तो पहले तय करते हैं कि सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वतः जो वह प्रोसेस जो अपने आप हो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सोच के बोलिए कोई प्रोसेस बता दीजिए कि सर जो अपने आप हो रहा है, बर्फ का पिघलना, देखिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मेल्टिंग ऑफ आइस। और कोई दूसरा प्रोसेस, चले भाई बादर का जमला और बरसना, थोड़ा बड़ा कठिन कठिन एग्जाम्पल ला दे रहे हो जो। अच्छा ये बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ऐसा उदाहरण दीजिए जो कोई भी बंदा समझे,
अब भाई देखिए ऐसा है जो इतनी बात आसानी से कर देते हो, बादल बनना और जो है बारिश होने में 16 फैक्टर काम करते हैं, और जब सारे के सारे फैक्टर एक साथ वर्क करते हैं तब वो जो है बारिश के रूप में कन्वर्ट होता है। ये नहीं कि बादल बन गए बारिश हो, 16 फैक्टर लगते हैं तब वो जो है क्या कहला कि उसमें कन्वर्ट। ऐसा उदाहरण दीजिए जिसको हम आसानी से देख लें, जैसे लोहे में जंग लगे, छड़ लाइए खरीद के मार्केट से, थोड़ा सा पानी वानी मॉइस्चर पाया, जंक लग गए, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंक लगना, ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। हाँ देखिए जैसे ये एक उदाहरण बता रहा है, देखिए जैसे ये देखिए आप लोहे की छड़ ले लीजिए, ये देखिए, ये सपोज कीजिए कि इसका ए सिरा है इसका बी सिरा है, और हम जो है ए सिरा को हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए ए को हमने हीट दिया, जब ए को हम हीट देंगे हम तो हीट ए को दे रहे हैं, लेकिन आप बाद में कहेंगे सर बी भी गर्म हो जा रहा है। ये सुनिए जो हम ए को हीट देंगे तो आप कहेंगे सर बी भी, हम बी को नहीं गर्म कर रहे हैं। अब ये है कि बी क्यों गर्म हो रहा है, तो रीज़न ये है कि जब यहाँ हीट देंगे तो यहाँ का टेम्परेचर हाई, यहाँ का टेम्परेचर लो, और हीट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, तो ये भी आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए जैसे मान लीजिए कोई जो है, देखिए जैसे इन्होंने बताया कोई पत्थर को आप उछाल दीजिए, कुछ दूर तक जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये नहीं है कि पत्थर उछाले तो चला गया अंतरिक्ष में, ये नहीं सोचना है, जब भी आप पत्थर यहाँ से उछालेंगे कुछ हाइट तक जाएगा, जितनी उसकी वेलोसिटी कहिए या एनर्जी रहेगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे बोले तो अब नीचे वाला फोर्स काम करना शुरू करे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब नीचे वाला फोर्स काम करना शुरू करेगा जो है, तो उस समय जो है जब वो वाला प्रोसेस होगा तो वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। जब वहाँ से नीचे आना शुरू करेगा तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। किसी को अगर शंका हो तो बता दें, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं? अब आपको लग रहा हो कि सर जब गर्म करेंगे तभी वेपर में कन्वर्ट होगा, आपको तो यही लग रहा होगा। मान लीजिए कपड़ा जो है धूप में सुखाते हैं तो क्या करते हैं, तो सन से हीट के लिए आप कुछ करते हैं, वो तो ऑटोमेटिक है। अब मान लीजिए अगर सन से हीट नहीं मिली तब कपड़ा आपका सूखेगा कि नहीं? तभी सूखेगा, 4 दिन में 5 दिन में सूखेगा। इसका मतलब ये है कि वाटर के वेपोराइजेशन के लिए हमको हीट की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक ले रहा है कहीं। हाँ हमको जल्दी से वेपर बनाना है तो हम बॉयल करके बना लेंगे जो, लेकिन ये जो वाटर का वेपोराइजेशन है ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह से देखिए जो है, जैसे हम लोग ये कहते हैं वाटर फ्लोज डाउन टू हिल, पानी पहाड़ों से नीचे गिरता। आप चले जाइए नेपाल नैनीताल में, देखिए ढेर सारे झरने हैं, पानी आ रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, वाटर फ्लोज डाउन टू हिल, पानी पहाड़ों से। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल जो है आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आप समझ गए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वह प्रोसेस जो अपने आप, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलिए अब बात यह आती है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो पॉसिबिलिटी, देखिए 3 वर्ड हमने कहा, पॉसिबिलिटी, डायरेक्शन और स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस तो तय हो गया, जो अपने आप हो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कहते हैं कि फॉलिंग स्टोन, पत्थर का गिरना जो है, या वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर फ्लो, ये सब उदाहरण आपके जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बात ये आती है कि पॉसिबिलिटी, तो देखिए किसी भी चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप एक उदाहरण लीजिए जो हमारे ऊपर,
हम कल क्लास पढ़ाएंगे कि नहीं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी सोचिए जरा। हाँ, इसकी केवल दो ही पॉसिबिलिटी, हम कल क्लास पढ़ाएंगे कि नहीं, इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो हम क्लास पढ़ाएंगे या तो नहीं पढ़ाएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रोसेस के केवल दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो प्रोसेस होगा या तो नहीं, अगर नहीं होगा तब तो काम ही समाप्त, अगर नहीं होगा तब तो काम समाप्त हो गया, और अगर होगा तब हमको सोचना है। क्या सोचना है? उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन का मतलब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ जाएगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के तरफ आएगा। तो अब इसको देख के बताइए प्रोसेस के डायरेक्शन कितने हो सकते हैं। डायरेक्शन भी दो ही संभव, या तो प्रोसेस मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बात देखिए, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब जानी गए जो स्वतः हो रहा होगा कि नहीं, तो अगर नहीं होगा तो काम समाप्त, और अगर होगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये सारी चीज़ें आप थर्मोडायनेमिक्स की मदद से बता सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट भी इन चीज़ों को बताएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट भी बता देगा कि सर रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, लेकिन वो तब बताता है जब उसको प्रोडक्ट मिल जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं, रिएक्टेंट दे दीजिए, उसकी एनर्जी बता दीजिए, डेल्टा जी की मदद से वो बैठे बैठे कैलकुलेट करेगा कि अगर ये लेंगे तो रिएक्शन होगा कि नहीं। तो अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर हो रहा है तो रिएक्शन होगा कि नहीं, अगर होगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स की मदद से बता सकते हैं। देखिए ऐसा है, हमारे कहने का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ब्रॉड स्कोप है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सब में किसी न किसी रूप में थर्मोडायनेमिक्स जो है इन्वॉल्व, किसी न किसी रूप में थर्मोडायनेमिक्स जो है इन्वॉल्व है। ये थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसको हमने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा भी थर्मोडायनेमिक्स, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, नॉन रिवर्सिबल, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको जो कुछ भी डिस्कशन करना है सिलेबस के अनुसार। ये बेसिक चीज़ें थी, हमने बता दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल तक ये डिसाइड कर लीजिए कि सर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस देना, जरा देखें। हाँ तो उसमें दिया है, तो और दूसरी बात ये है कि आपको अलग से कॉपी बनाना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री की, और कॉपी जो है रफे टाइप का रहे, लेकिन ये रहे कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आगे पढ़ा रहे हैं और पीछे की अगर